अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के लिए कमर तोड़ ऐलान किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के 300 अरब डॉलर के सामान पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, ये टैक्स अगले महीने से लगना लागू हो जाएगा। इससे जाहिर होता है दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर कहे जाने वाले अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर का और बढ़ जाना लाजमी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन से अमेरिका आ रहे 300 अरब डॉलर के बाकी सामानों पर 1 सितंबर से 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने यह ऐलान ऐसे समय में किया है जब चीन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच कल ही शंघाई में ट्रेड वॉर पर बातचीत हुई है। अगले महीने से 300 अरब डॉलर के और चीनी सामानों के आयातों पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। अमेरिका चीन से आ रहे 300 अरब डॉलर के बाकी सामानों और उत्पादों पर 1 सितंबर से 10% अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू कर देगा। China on $300 billion worth of goods and products being sold into our country, and China eats it because they have to pay it, because what they do is they devalue their currency and they push money out. अमेरिका चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से चीन की विकास दर में भी गिरावट आई है। आयात शुल्क की दरें ज्यादा होने से चीन के निर्यात में गिरावट आई है। इस ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया भर में मंदी का खतरा भी मंडराने लगा है।